तो सो क्या बोलोगे आप सर, कैसी लगी मूवी आपको? बार बार देखो पिक्चर थी ना, उससे भी घटिया पिक्चर बनाई है। जजमेंटल है, चला भाई पागल हो गया है पिक्चर देखने को आया मैं। तुम मेंटल हो गए? अरे ऑडियंस बाल्टी भर भर के गालियाँ दे रहे मेकर्स को, क्या फालतू पिक्चर बनाया, ना स्क्रिप्ट का ठिकाना, ना स्टोरी का ठिकाना नहीं। तो मैं तो पहले से बीमार हूँ और बीमार हो गया मैं। मतलब क्या कुछ भी नहीं पिक्चर में, कुछ नहीं। कंगना रावत का परफॉर्मेंस बेकार है, खाली चिल्ला रही सब पे, क्यों चिल्ला रही पता नहीं। टोटल डिजास्टर है पिक्चर। मतलब पहले पिक्चर का नाम मेंटल ही रखा था, फिर जजमेंटल हो गया। पिक्चर का मेंटली सब मेंटली है पिक्चर में, मेकर्स भी मेंटल है, परफॉर्मेंस भी सबका मेंटली है, ऑडियंस भी मेंटल हो जाएगी देखिए पिक्चर। राजकुमार राव किसी का परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, दम देखने लगा कुछ नहीं पिक्चर में, कुछ भी नहीं है। बताइए जो पिक्चर एंड होता है वही बेस्ट पार्ट है, बाहर निकलती ऑडियंस। पिक्चर में कुछ नहीं है, पिक्चर को मैं जीरो दूंगा, जीरो। अरे एक खराब मतलब उसको मेरे ख्याल से कल निकालना पड़ेगा थिएटर में से, डिस्कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऑडियंस आएगी नहीं देखने को पिक्चर। चैलेंज है मेरा ये, इस डायरेक्टर को फिल्म लाइन छोड़ के सीधा पागलखाना जाना चाहिए, तो उसको भी मेंटल बन जाना, मेंटल बन जाना चाहिए। डाल दो उसको, पिक्चर फालतू है, डाल दो। सर मूवी बहुत अच्छी है, कंगना का रोल भी बहुत बढ़िया है, और एक एक्सपेरिमेंट है, और बालाजी ने एक नए एंगल से मूवी को बनाया है। इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और आर्ट डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और एक अलग परिपेक्ष में इस मूवी को लिया गया है। लोगों को कंफ्यूज लग रहा है, समझ नहीं आया शायद, नॉर्मल पब्लिक को समझ नहीं आया। मास के लिए नहीं है, लेकिन मूवी क्लासिक है। कंगना की एक्टिंग के लिए आपको मूवी देखनी है, राजकुमार का जो रोल है वो एक बड़ा सस्पेंस और थ्रिल रोल है, उसके लिए देखना चाहिए मूवी को। और बालाजी ने एक अलग टॉपिक पे इस मूवी को बनाया है, एक बड़ा प्रोडक्शन है, बहुत से लोग इस टाइप का रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन बालाजी ने इस रिस्क को लिया है, मैं उसके लिए उनको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट जजमेंटल का, शॉर्ट में बताना? कॉन्सेप्ट ये है कि हम चीज़ों को अपने एंगल से देखते हैं, चीज़ें एक्चुअली वैसी होती नहीं है जैसे हम अपने एंगल से देखते हैं, इसलिए चीज़ों को वैसा देखना चाहिए जैसी वो है, अपना चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए। सोच बदलो सहारे बदल जाएगी, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। पांच में से तीन दे सकते हैं। आपका बेस्ट सीन कौन सा था मूवी, जो आपको देख के लगा कि यार ये मूवी का बेस्ट पार्ट है? मूवी का बेस्ट पार्ट जो है वो क्लाइमेक्स है। थैंक यू। टोटल बकवास मूवी, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। टोटल ऐसा लग रहा है मेंटल की तरह मूवी चालू है, सिर्फ एंड में सिर्फ इतना है कि एक थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि राजकुमार राव एक मर्डरर रहता है, ऑल दैट थिंग, दैट वाज द थिंग। शी इज एब्सोल्युटली मेंटल। स्टोरी वाइज यू जस्ट वॉच द मूवी, आपको पता चल जाएगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चल रहा है। टू स्टार ओनली। ठीक है, अच्छी अच्छी लगी, अच्छी लगी। कंगना का काम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, पाँच में से कंगना का ही अच्छा है। अच्छी थी, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई मेरे को। हाँ तीन, एकदम बकवास मूवी है। कंगना राव की जैसी मूवी रहनी चाहिए वैसी है नहीं। कंगना राव एक ऐसी एक्टर है जिसने अपने दम पे पिक्चर चलाने की वो हिम्मत रखती है, लेकिन ये पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने पब्लिक आएंगे। कन्फ्यूज, लास्ट में मालूम पड़ता है क्या है, लेकिन वो पिक्चर के जो सस्पेंस रहता है, वो सस्पेंस का मतलब ही कुछ नहीं है। पाँच में से कितना स्टार? एक स्टार। सर कैसी लगी आपको मूवी? अरे फिल्म क्या, जैसा टाइटल है वैसे आदमी को मेंटल कर दिया उसने, एकदम ही मेंटल कर दिया है। पहले का नाम मेंटल है रखा था, अभी जनमेंटल है, राजकुमार राव है, कंगना रनौत है, लेकिन फिल्म क्या चीज़ पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी पसंद? कुछ फिल्म में था कुछ समझ से बाहर है, क्या फिल्म बनाया है, इतना बड़ा प्रोडक्शन है, क्या है कुछ समझ से बाहर है। एक्टिंग भी ना, एक्टिंग तो ठीक है, अब जब सीनियर आर्टिस्ट है तो एक्टिंग तो रहेगी ना उनकी। तो पाँच में से कितना स्टार देगा? अरे वो एक ही दे, बहुत बड़ी बात है भाई।
अब बहुत बड़ी कुछ भी समझ में नहीं आया आपको? समझ में नहीं आ रहा फिल्म क्या है, कस यानी आदमी को मेंटली कर दिया है, इनको टाइम पर समझो और क्या है। सर कैसी लगी आपको? देखिए जो स्टार्टिंग में जो करना कंगना रनावत का जो इसमें काम हुआ है वो देखने को जाए तो पूरे मूवी में जो है उन्होंने जो एक मेंटल का जो जजमेंटल जो भी है जो काम किया है वो सोचने वाली बात है कि ये लड़की जो है ये भी रोल कर सकती है। तो एक्चुअली बोले कि चाहे पिक्चर फ्लॉप हो चाहे कुछ भी हो लेकिन ये जो है ये रोल जो है बहुत ज़बरदस्त की है, इसको जो है अवार्ड देना चाहिए देखने को जाए। अब कुछ लोगों को ये मूवी मुझे भी इंटरवल तक नहीं पसंद आया था मूवी, क्योंकि ये इस तरीके का था कि जैसे लगा कि हम लोग एक पागल को देख रहे हैं बैठ करके। लेकिन देखिए ये इंडिया में जो है ऐसा कुछ है, कुछ घरों में कुछ मतलब कुछ जगहों पे कुछ परिवारों में ऐसी घटना घटी और कुछ लड़के या लड़की में ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो ये स्टोरी जो एकता कपूर और ये लोग जो है इतने ये नहीं है, ये लोग कुछ हाँ ये लोग कुछ सोच समझ के बनाए हैं। और ये साज भी कभी बहुत ही उसने ऐसा बनाया कि आज भी घर घर में चालू है, तो ये जो है पूरा हटके है। देखिए सब जन को और ये मूवी का मत ये मूवी इस तरीके का निकाला है कि ये पूरी मूवी देखना पड़ेगा, मूवी जो है ये पूरी देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। इंटरवल तक मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, क्या ये चल रहा है। और ये राजकुमार राव जो है अलग अंदाज में सिगरेट पीते हुए, इतने जितने भी मूवी देखा उसमें सिगरेट पीते हुए नहीं। और फिर एंडिंग में जो एकता कपूर ने जो उसने जो क्लाइमेक्स लास्ट में चेंज किया वो देखने तारीफ था। डायरेक्ट राजकुमार राव विलन में, ये तो सोचने वाली बात है, डायरेक्ट विलन में आ गए। तो मतलब ये जो है उस जो बोलते हैं ना कोई हीरो अगर रहता है तो उसको जो है अगर सस्पेंस में से निकाल करके और सामने खड़ा कर देता है कि ये आदमी चोर है ये डाकू है, तो इसमें से एक मेंटल एक पागल या हम लोग उसको अच्छा भी बोल सकते बुरा भी बोल सकते। पागल लोग में ये नहीं है कि सब पागल ही होते, कुछ अच्छे भी होते और कुछ ऐसे हरकत करते कि वो रियल करते और वो रियल होने वाला रहता है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो घटना जब होने वाली रहती है तो कंगना रनावत को मालूम रहता है और उसको रियल है, और राजकुमार राव में वो गलत रहता ही है। और वो लास्ट में जा कर के जो कंगना रनावत जो है अपने सहेली को बचाती है और उसका जो है राजकुमार राव जो है विलन और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं है हर एक पब्लिक को ये कोई ज़रूरी नहीं फाइट रहे सब कुछ रहे, ये कुछ हटके स्टोरी बनाया गया है। तो एक बार जो है ये मूवी देखने लायक है और समझने लायक है कि जो परिवार में ऐसी घटना घटी है और जो मेंटल हैं वो भी कुछ लोग स्पेशल बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो काबिले तारीफ है कंगना रनावत का जो एक एक्टिंग है और जो काम उन्होंने किया है काबिले तारीफ है। पाँच में से कितना? देखिए 5 में से मैं 3 दूंगा। ओके सर।